इसराइल और हमास के बीच चल रहे गाजा युद्ध को एक साल बीत चुका है, मगर अब तक ये जंग किसी नतीजे तक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। नेतन्याहू की जिद ने गाजा पट्टी को खंडर बना दिया है। चारों ओर इमारतों का मलबा या फिर टूटी फूटी बिल्डिंगें देखने को मिल रही हैं। शहर की सड़कें गंदगी, मलबों और लाशों से पटी पड़ी हैं। गाजा में लोगों का जीवन पूरी तरह से बदहाल हो गया है। मौजूदा जंग ने गाजा पट्टी में 41,000 से ज्यादा जानें ली हैं, इनमें आधी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यूएन की एक रिपोर्ट में युद्ध में फंसे गाजा पर चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। इसमें बताया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया ने गाजा में विनाश जैसा कुछ नहीं देखा है। अगर युद्ध आज भी खत्म हो जाता है तो भी इसराइल की बमबारी और जमीनी हमले में तबाह हुए गाजा को फिर से पटरी पर लौटने के लिए कम से कम साल 2040 तक का समय लगेगा। पहले से ही पिछड़ेपन का शिकार गाजा अब महज पत्थरों का ढेर बनकर रह गया है, जहां से सिर्फ और सिर्फ गोलाबारी की आवाजें गूंजती सुनाई पड़ती हैं। इस बीच गाजा पर इसराइल की ओर से किए जा रहे हमलों ने जहां पहले से ही हालात नर्क बना दिए हैं, वहां अब लोगों के लिए एक और खतरनाक दुश्मन ने अपने पैर पसार लिए हैं। इससे वहां के लोग बिना इजरायली हमलों के भी शिकार बनते रहेंगे। दरअसल गाजा में आने वाले सालों में होने वाली कई साइलेंट मौतों का जिम्मेदार एस्बेस्टस अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में इजरायली हमलों की वजह से एस्बेस्टस नाम का पदार्थ गाजा की हवा में घुल गया है। ये ऐसा खतरनाक जहर है जो बिना किसी हमले के ही लोगों की मौत की वजह बन सकता है। ये सांस के जरिए लोगों के शरीर में घुस रहा है, जिससे कैंसर होता है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायली हमले से तबाह हुई इमारतों के मलबे से करीब 8 लाख टन एस्बेस्टस हवा में घुल चुका है। बताते चलें कि हमलों से तबाह हुई इमारतों के मलबों से एस्बेस्टस निकलकर हवा में मिल जाता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो बिना छेड़े रहने पर इंसानों के लिए कम जोखिम भरा होता है, मगर जब ये हवा में फैल जाता है तो ये खतरनाक रूप ले लेता है। गाजा में फंसे फिलिस्तीनियों के लिए ये एक मौत की सजा है। इजरायली हमलों की वजह से एस्बेस्टस की बहुत बड़ी मात्रा हवा में मिल चुकी है, जो सांस के जरिए लोगों में कैंसर का कारण बन सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक ऐसी त्रासदी है जो आने वाले समय में सामने आएगी। बताया जाता है कि ऐसा ही कुछ अमेरिका में हुए 9/11 हमलों के बाद भी हुआ था, जहां कई लोगों की मौत सिर्फ एस्बेस्टस की वजह से हुई थी। ऐसे में इसराइल ने अपने हमलों से गाजा को कई दशक पीछे धकेल दिया है, जहां नजर दौड़ाते वक्त सिर्फ तबाही, मौत और विनाश ही देखने को मिलता है। no one,